हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही बढ़िया। आज ब्लॉग गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। हम लोग कहीं जा रहे हैं, हमको एक जयपुर में फूड फेस्टिवल का पता चला, तो हमने कुछ नहीं सोचा, हम सीधा निकल गए। तो आज हमारे साथ में जयपुर स्वीट्स मिठाई, हाँ, हमारे साथ में हमारे बड़े भैया, हेलो, और हमारे एक अजीज मित्र हैं जो टूटी हुई टांग से हमारे साथ जा रहे हैं। मैं टांग दिखाऊंगा इनकी, रुको। मतलब ये आदमी इतना फूडी हो रहे हैं जो तीन फ्रैक्चर है इस टांग में, फिर भी है ना ये आदमी खाना खाने के लिए चल दिया है। तो आपको पता चला, मैं लास्ट ब्लॉग में भी कहा था, हम लोग खाने के लिए इतने क्रेजी हैं, कुछ भी कर सकते कि हम कहीं भी जा सकते हैं। तो हम लोग देखो टूटी हुई टांग वाले आदमी को भी लेके जा रहे हैं हम लोग अपने साथ में, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी चाहे बिस्तर पे हो चाहे आईसीयू में हो, हमें खाना खाने जाना तो हमें जाना है बस। हम इतने बड़े भुक्कड़ हैं। एक घंटा हो गया चलते चलते, कब पहुंचेंगे भैया? कब पहुंचेंगे भैया, बताओ तो सही। जयपुर के बाहर ही वसीम भाई, कब पहुंचेंगे यार? पता ही नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा कब पहुंचेंगे। फूड का सुन के तो मैं तो दोपहर का खाना भी नहीं खा के आया मतलब हद्दी अलग ही आदमी अब पता पड़ा कुछ नहीं मिला, और वहाँ जाके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? कुछ ना मिलेगा वहाँ जाके, ये तो गलत बात है यार। क्लोजिंग सेरेमनी है, तो कुछ फ्री में है या नहीं है खाना? सब फ्री में ही है। ठीक है, जो अच्छा लगे वो खरीद भी सकते हो। ओके, अच्छा तो कुछ ही लगे जो फ्री में, तो अच्छा तो सब लगेगा, पर इतना अच्छा नहीं लगेगा खरीद सके। हाँ हाँ, फ्री में पहले खाना है ना हमको, तभी तो देखेंगे हम लोग। फाइनली पहुंच गए, बस रास्ता मिल जाए मेन एंट्रेंस। चलो तो सही, मेन एंट्रेंस ये वाली भी बंद है, दूसरी वाली मेन एंट्रेंस पे जाना है। चलो आगे देखते हैं पहुंचे कहाँ तक, पहुंचे कब पहुंचे। देखिए अब यहाँ पर लग रही है, ये हमारे भैया को ज्यादा भूख लग रही है रॉन्ग साइड लेते हुए, और शानदार तरीके से इन्होंने रॉन्ग साइड में गाड़ी ले ली। इन्हें एंट्रेंस अभी बहुत आगे मिलेगी। क्यों मेन लगाएंगे ना पार्किंग? नहीं नहीं, अंदर पार्किंग के अंदर लेंगे ना, अंदर पार्किंग में लेंगे, बाहर नहीं, पार्किंग में लेंगे। ये देखो यही पार्किंग है ना यार, बहुत अच्छी पार्किंग है यार, अंदर लगाएंगे गाड़ी। चलिए चलिए। फाइनली एक घंटे के इंतजार के बाद में हम लोग पहुंच गए हैं, है ना, टूटी हुई टांग के साथ। हाँ, ये आदमी, ये देखिए, सीधे सीधे चलो ना आप, है सीधे क्यों नहीं चल रहे हो? सीधे क्यों नहीं चल रहे हो? मतलब यहाँ पे हर जगह से लोग बाग आए हुए हैं, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बॉम्बे, चंडीगढ़। अरे वाह, मतलब हम लोग ही लेट हैं, मतलब जयपुर में होते हुए हम सबसे आखिरी में लेट में आ रहे हैं, है ना। ओहो, रश भी बहुत हो रहा है, मतलब कितना प्यारा व्यू है, और यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ देखिए आप। ओहो, एंड व्हाट इज दिस, आई लव WMNC। ओके, लेट्स बी, एंट्री करते हैं, देखते हैं एंट्री का क्या क्या प्रोसेस है। ठीक, ये क्या खा रहे हो तुम लोग? ये तो यही बताएंगे क्या है, ये क्या है, नाम बता दो। ड्राई केक, ड्राई केक। अगली बार जो नेक्स्ट विजिट होगी, नेक्स्ट मंथ में भी यहाँ पे इवेंट है। अच्छा, 4 तारीख को, तब भी पक्का? चलो ये तो बढ़िया, ये बहुत टेस्टी है। यहाँ से सीधे गुजरात अगर चलना चाहो तो दिल्ली चलना चाहो तो दिल्ली। अच्छा, ब्लैक वाला मैं खाते हुए बोल रहा हूँ, दुबई इज फ्रॉम। ओके, सर अवेलेबल कैसे होगा? अलग प्रोडक्ट इसमें और से प्रोडक्ट तो सर मेरे पास बहुत, मेरे पास 38 आइटम्स हैं, बट अब बिल्कुल एंड का टाइम आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ हाँ, श्योर, तुम दोनों हाफ हाफ मुझे दे देना, दोनों खजूर के अंदर है, दिस इज सो डिलीशियस। ठीक है, ले जाना, नहीं है उसको परचेज कैसे कर सकते हैं?
किस वे में परचेज करना चाहते हैं? रीसेलिंग? नो नो नो, घर के लिए, खाने के लिए, आप घर के लिए बोला। ये हमारे इम्पोर्टेड गल्फियंस है। अब हम लोग आइसक्रीम खाने के आए। बुक्कड़ों को देखो, जरा सा टाइम मिले ना इन बुक्कड़ों को, फौरन खाना शुरू कर देते कहीं पे भी। बहुत ज्यादा हो गया, पकौड़े वकड़े खाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ पर आओ, सब चीजें देखने को मिलेगी, बहुत चीजें खाने को मिलेगी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। ये देखिए, मतलब काउंटर्स एंड सो ब्यूटीफुल है ना, इतने प्यारे प्यारे काउंटर्स बने हुए हैं, पर सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, क्योंकि ये लास्ट डे है आज, तो हम लोग काफी लेट हैं, हमको इन्फॉर्मेशन लेट मिली थोड़ा सा। खाना है, देखिए यहाँ पे क्या खाने को मिल सकता है, क्या चीजें हैं। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये टेस्ट डिफरेंट है, ये वाला का टेस्ट सीरियसली डिफरेंट है। प्रीवियस खाया था उससे और इसमें बहुत डिफरेंट। यहाँ पर पर्पीज भी है, हम लोग को यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिली है, तो हम लोग को लग रहा है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खा के जाएंगे और लेके भी जाएंगे। मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं जो हमको कहीं नहीं मिलती। मतलब बाहर अगर आप स्वीट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो बकलावा जरूर है, एक बार जरूर खा के देखिए, मतलब एक अलग ही टेस्ट का अनुभव मिलेगा आपको सीरियसली। ये आदमी फिर से स्वीट पे, मतलब पैर टूटा हुआ है फिर भी आदमी है ना स्वीट ही स्वीट के ऊपर मरे जा रहा है, लेकिन है अल्टीमेट। हाँ हाँ, हर एक चीज़ बहुत यूनिक मिल रही हो, हमको कहीं खाने को नहीं मिल रही है ऐसी चीज़ें। कोस्टा कचौरी, गुजरात का स्वीट, अरे गुजरात का ना तो हल्का मीठापन तो होगा। ओके ओके, वो खस्ता कचौरी अच्छी है, नाइस, मैं पहली बार खाई सीरियसली। अब यहाँ पे देखें और क्या क्या, मैं तो यहाँ पे पहले क्यों नहीं आया, मैं इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा, मुझे पहले क्यों नहीं आया इसके अंदर। मैं यहाँ पे अगर आप आओ ना तो आराम से, मतलब पूरा दिन लगाओ तब जाके आप घूम पाओगे, कुछ पढ़ना नहीं घूम पाओगे सीरियसली। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, खा खा के मोटे हो रहे हैं आप। इन दोनों को कोई काम नहीं सीरियसली। केसर, मतलब केसर का इत्र, इत्र बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप लोगों ने ना अपना केसर ले लिया है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करने वाले हो? सिर्फ केसर लेने हम लोग इतनी दूर आए, मतलब हद हो गई यार तुम लोगों की, बिल्कुल ही अलग अलग ही पागल हो तुम लोग। ये आदमी फिर चल दिया कुछ खाने, मतलब पैर में लगी हुई है इस आदमी के, पर इसको खाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। कैडबरी की एक चॉकलेट आई थी उसके अंदर ही आया था, कैडबरी उसमें था, कैडबरी था उसके अंदर, कैडबरी था चॉकलेट के अंदर, आइसक्रीम के अंदर, सबके अंदर यूज करते हैं। ये दो कलर कैसे? बिकॉज़ है ना इसमें 10% दिस वन द स्लाइस, इसमें 10% शुगर ऐड किया हुआ है, एंड दिस वन द होल। ओके, सो दीस आर शुगर फ्री एंड दीस आर द शुगर 10% ऐड। कम आ रहा है, कम आ रहा है, मुनक्का वाला टेस्ट मुनक्का है, अंदर में ज्यादा है, उसमें ज्यादा लग रहा है। You just contact the importers basically.
वी हैव मोर इम्पोर्टर्स बट प्योर वी हैव टू इम्पोर्टर्स नटराज एंड कांसी. अच्छा होता कैसी नट कैनबेरी का जूस पी लिया है ना, कैनबेरी की आइसक्रीम खा ली, कैनबेरी की मिठाइयाँ ले ली, मतलब यहाँ तक कि नमकीन में भी है कैनबेरी. एंड इट्स अ चेयर्स टाइम. जूस बहुत ही अमीर, मतलब बहुत ज़्यादा माइंड ब्रेकिंग. कैनबेरी हमने पहली बार खाई, मतलब बहुत टाइम पहले. कैनबेरी मूंगफली चिक्की बहुत पहले हमने चॉकलेट में खाई थी, चॉकलेट में आई थी, उसके बाद में अब खाई, मतलब अलग टेस्ट है भाई. मतलब यहाँ आओ यार, बहुत मज़ा आता है. हम लोगों ने सच में बहुत लेट सो टेस्टी, हम लोगों ने सीरियसली बहुत लेट किया. वी आर वेरी रिग्रेटिंग कि हम थर्ड डे क्यों आए हैं. हाँ हम लोग थक, नहीं मैंने खा लिया, हम लोग मतलब मैं सच में अफसोस में हूँ कि मैं तीसरे. क्या खा रहे हो? कैश्यू. ओहो मेरे को भी खाना. सही से बताओ थोड़ा सा और अभी पेट पूरा नहीं भरा है, थोड़ा सा क्या हो गया? पेन स्टार्ट हो गया चलते. हाँ पर लेकिन अभी दिल मांगे मोर एक नंबर के भुक्कड़ लोग, गलत जगह आ गए और गलत वक्त पे आए. पहले आते तो पता नहीं हम लोग यहाँ से कैसे जाते, इतना खाते. अब भैया फिर से कहीं घुस गए भैया, हर जगह घुसे जा रहे हैं बार बार. और ये सिर्फ खाने की जगह घुस रहे हैं. एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस आप ये सब ऑर्डर नहीं कर सकते. वी डोंट सेल एनीथिंग, वी आर इनटू फ्लेवर्स. द कंपनीज नेम इज फाबरी, सो दैट्स एन इटालियन ब्रांड. वी आर द सोल इम्पोर्टर इन इंडिया फॉर फाबरी. सो हम उसके फ्लेवर्स और इन्ग्रीडियंट्स इम्पोर्ट करते हैं. देन आई एम द हेड शेफ, आई एम द टेक्निकल शेफ फॉर दैट टीम. आर एंड डी टीम इज अविनाश. सो हम यहाँ पर जितने भी लोगों के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं, लाइक यू आर इनटू अ बिजनेस, उससे ही कि मेरे को मैक्रोज बहुत अच्छा लग जाते हैं. सो एगलेस एंड वीगन करते हैं, या मार्शमेलो जो मटर करते हैं. अगर आपको ये हमें बहुत अच्छा लगे, हमें डेवलप करा है. How to do that? So you buy our products and then as a chef I'll come to you or you visit our R&D kitchen and I'll train your guys or I'll teach your team or chefs how to do that. It's the same authentic design. आपको खाना होगा तो आप कर सकते हैं. बेसिकली दुकान वही है, खाना है तो सिर्फ आप ही से कॉन्टेक्ट करोगा और किसी चीज़ से होगा नहीं. पैनाकोटा कौन सा है इसमें? ये पैनाकोटा ये लेमन एंड रास्पबेरी कोल्ड चीज केक है. तिरामिसु है, ये तिरामिसु केक था. ये रेड वेलवेट केक था जो खत्म हो गया. स्ट्रॉबेरी बेक चीज केक एगलेस. हमने ऐसे बहुत कुछ लिया है. एक कार्टन पूरा भरा हुआ है, पॉलिथीन वगैरह वगैरह, मतलब फुल ऑन खर्चा कर लिया हमने अभी यहाँ पर आने के बाद. लगा नहीं था इतना खर्चा करेंगे यार, बहुत पैसे लगवा दिए इन लोगों ने मेरे. केयरफुल केक्स है और केक्स वहाँ बहुत ही अमी जो हम लोगों ने ब्लॉग में देखे है ना. शेफ भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त निकले जिन्होंने हमारी बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया, केक खिलाया. बहुत मज़ा आया, सीरियसली बहुत मज़ा आया यहाँ पर आके. ठीक हम लोग अब बाहर आ गए हैं. आने के बाद देखो हम लोगों ने खाया भी कितना है और हम लेके कितना जा रहे हैं. देखिए इन दो आदमियों ने मिलकर ना इतना खर्चा करा दिया. देखो कितना खर्चा हुआ है, मतलब ये डस्टबिन तक लिया हमने यहाँ से. लूट हद ही कर दी बिल्कुल इन लोगों ने. और जो केक्स लिए हैं ना वो अलग है, वो अलग बिल्कुल, मतलब अलग मज़ा आया भाई. हम लोगों की सच में बहुत बड़ी गलती थी, हम लोग आ नहीं पाए पहले आ जाते तो और भी ज़्यादा मज़ा होता, मतलब और नेक्स्ट लेवल ब्लॉग बनता, हर एक चीज़ डिटेल में दिखा दे. पर आज क्या बंद होने वाला था तो ब्लॉग जिस जैसा तैसा दिखा पाए. ठीक है अब हम चलते हैं यहाँ से घर की ओर.
और ये ब्लॉग यहीं खत्म होता है। और आपको पता है आपको जाते जाते क्या करना है? भाई देखो पॉपकॉर्न भी नहीं छोड़ा, रुको 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 रुको, ये आदमी ना बच्चों की तरह लाइन में लग कर ना वो पॉपकॉर्न खाने चला गया। देखो 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 इस आदमी को, ये मतलब ये मतलब हद हो गए इतना खाने के बाद ना वापस से पॉपकॉर्न खाने में आ गया। पॉपकॉर्न के लिए कोई भी ब्लॉग बिना पॉपकॉर्न के अधूरा रहता है भाई। मतलब इतना ज़्यादा खाने के बाद ना ऐसा होता है साथ में से पैर अभी भी काम नहीं कर रहा है और पेट और दर्द कर लिया है इतना खा के। क्यों खाया सर इतना? चलो अंदर कुछ खाने है, और भी खाना है अभी तो। तो बहुत सारा खा लिया, बहुत कुछ देख लिया, अभी और भी खाना है और फिर बहुत सारी चीज़ें अभी और लेके जानी है यहाँ से। चलिए हम ये सब कुछ करते हैं और आप ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और आपको पता है आपको जाते जाते क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय।